कि जब से 100 कंपनीज को यहां डिप्लॉय करने का जो फैसला है लोगों ने वो वायरल हो गया है जो वो देखा है जो ऑर्डर आया है तो एक बड़ा स्केयर डर खौफ हर जगह है और तश्वीश हो रही है लोगों को कि कहीं जो ये हमारी स्पेशल आइडेंटिटी है जो हमारा स्पेशल स्टेटस है स्टेट का जिसमें आर्टिकल 370 है 35 है कहीं इससे कोई कोई जो टिंकरिंग या इससे इसमें कोई इसको खत्म करने की कोई साजिश न चल रही हो तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं होने वाला है इससे इससे जो लोग हिंदुस्तान के दुश्मन हैं उनको तो फायदा ही मिलेगा लेकिन जिन लोगों ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पर हल्फ उठाया है जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं जो समझती हैं कि उनकी तकदीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है ये उनके लिए उनकी क्रेडिबिलिटी रो देयर क्रेडिबिलिटी विल बी रो वो तो ग्लोरीफाई होंगे जो एंटी इंडिया स्टांस होंगे उनको तो उनके लिए तो एक ग्लोरिफिकेशन मुझे लगता है कि एक अजीब माहौल बन गया है जहां लग रहा है कि 1 बिलियन लोग हिंदुस्तान के वो उठ के कश्मीर के कुछ चंद लोगों पर हम हाउमनी आर्मी हम 60-70 लाख होंगे उन पर हावी होकर दिखाना चाहते हैं कि हमारी तादाद ज्यादा है आज हम तुमको सबक सिखाते हैं बड़े जो ग्रेट नेशंस होते हैं ये तरीका कार नहीं होता अपने ही लोगों के साथ पेश आने का ऐसा नहीं चलेगा।